हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मिठाई हमने घर पे बना के तैयार की है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये मिठाई हमने बना के तैयार की है। तो इसमें आपको काजू कतली का फ्लेवर मिलेगा और इसमें आपको मावे का फ्लेवर मिलेगा, इसमें आपको कोकोनट बर्फ़ी का फ्लेवर मिलेगा। और ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में झटपट आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मिठाई बनी है। ये मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, घर पे हम इसको बहुत सस्ते में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से बहुत ही जूसी है, एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली मिठाई है। एक बार ये रेसिपी इस फेस्टिवल पे आप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई रख दी है, नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पे। एक कटोरी कोई सेट कर लें, उससे सारा मेज़रमेंट लें। तो एक कटोरी मैंने मलाई वाला फुल क्रीम दूध कढ़ाई में डाल दिया है। दूध हमारा ठंडा था इसलिए इसको गर्म कर लेंगे। तो एक बॉईल आ गया है दूध में, मलाई और दूध अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस का फ्लेम कर देंगे लो। तो इस पे हम डालेंगे एक कटोरी काजू का पाउडर। जिस कटोरी से हमने दूध लिया था उसी कटोरी से हम एक कटोरी काजू का पाउडर डालेंगे। काजू को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई गुठले लम्स वगैरह ना बने। तो इसको चलाते हुए दूध में काजू को मिक्स करेंगे। जब दूध और काजू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जब भी ले मार्केट से तो ध्यान रखें कि वो ज़्यादा पुराना नहीं हो, वरना उसमें एक स्मेल आने लगती है जिससे हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो एक ही कटोरी कोई सेट कर लें और कोई मेज़रिंग कप हो तो उससे लें। तो दो कटोरी हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम हम पूरी प्रोसेस में लो मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। एक गाढ़ा सा बैटर सा बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी एक कटोरी मैंने उसी कटोरी के माप से चीनी ली है। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे साबुत चीनी डाली है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी डालें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं चीनी। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो एक गाढ़ा सा बैटर बनके हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर टेस्ट में तो अच्छा होता ही है, ज़्यादातर मिठाइयों में ये यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं और फ्लेवर के लिए रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। इलायची से क्या होता है, जो हम मीठा वगैरह खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छे से इलायची को मिक्स कर लिया है और एकदम गाढ़ा बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे दो चम्मच मिल्क पाउडर। आपके पास हो तो डालें और अगर नहीं है तो स्किप कर दें। और अगर मिल्क पाउडर जब भी डालें तो लो फ्लेम करके ही डालें। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों में मिल्क पाउडर को, इससे हमारी मिठाई में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा।
काजू डाला है उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और मिल्क पाउडर भी डाल देंगे तो मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो एकदम गाढ़ा सा बैटर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, और ऐसा ही गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चम्मच घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें, एक चम्मच देसी घी डालें। ये मिठाई का टेस्ट इतना बढ़ा देगा कि बहुत टेस्टी हो जाएगी हमारी मिठाई। तो अच्छे से मिक्स करेंगे घी को। काजू में अपना ऑयल होता है, कोकोनट में अपना ऑयल होता है, इसलिए इस मिठाई में हमें बहुत ज़्यादा घी वगैरह का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक चम्मच ही करना है। तो अच्छा गाढ़ा बैटर बन के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, और यहाँ पे हल्का गुनगुने में ही हमें इसको बांधना है। तो आप चाहे लड्डू का शेप दे सकते हैं, आप चाहे पेड़े का शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको पेड़े का शेप दिया है, राउंड बना लिया है एक लड्डू के जैसा, फिर प्रेस कर दिया है उंगलियों से। तो ये देखिए हमारा पेड़ा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर थोड़ा सा हमने बचा के रखा था उसमें कोट कर देंगे, और बाकी के भी पेड़े मिठाई हम बना के तैयार कर लेंगे इसी प्रोसेस से। आपको ध्यान रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें कि हार्ड हो जाए बाद में। आपको बैटर को थिक करना है पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना गाढ़ा करना है कि पैन छूटने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा बैटर हमारा तैयार है। तो यहाँ पे सारे पेड़े बना के हमने तैयार कर लिए, मिठाई हमारी एकदम तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश और कर देंगे, पिस्ता लगा सकते हैं आप, बादाम लगा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश करें, चांदी का वर्क लगा सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी है, बनाने में भी बहुत आसान है, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेसिपी को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और इस फेस्टिवल पे आप ये मिठाई, बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है, तो ज़रूर से ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो तब तक बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।